स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कॉल रिकॉर्डिंग को हम डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, यानी कि इसके बारे में बताने वाला हूँ, और यानी कि हम इसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं इसके बारे में बताऊँगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये IQ का फ़ोन है, और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर, यानी कि अपने डायल पैड पर। डायल पैड पर जाते ही आप कोई भी नंबर डायल करेंगे। डायल करते ही आपका जैसे ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग ऑन रहती है, मैंने ऑन कर दी है वैसे। और आपको इसको डीएक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा, इस पर क्लिक कर देना होगा दोबारा से, और आपका ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर डायरेक्ट ही आपको मतलब ऑफ़ करना है तो आप क्या कर सकते हैं, डॉट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, कॉल हिस्ट्री पर जाएंगे, दोबारा डॉट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, क्लियर ऑल हिस्ट्री पर जाएंगे, यहाँ से ओके कर देंगे और आपकी ये क्लियर ऑल हिस्ट्री हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपका जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा रिकॉर्डिंग। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।